हेलो एवरीवन आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन स्टार्ट होगा तो 2022 का जब आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ या फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन स्टार्ट होगा तो आपको दो ऑप्शंस दिए जाएंगे वहां पे अपग्रेड और फ्रीज ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के दिमाग में आखिर ये क्या है ये कन्फ्यूजन को मैं आपको पूरी तरीके से इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखेगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आपने इसमें से गलती कर दी तो हो सकता है कि आपको एडमिशन ना मिले आगे ठीक है तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखना तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको एडमिशन का पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो करते हुए अपग्रेड और फ्रीज के ऑप्शन का यूज करना है तो आप सभी के सामने आप देख सकते हैं कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा ठीक है आपको सीट एलोकेट हो जाती है तो आपको क्या करना है एडमिशन फी आपकी पे कर देनी है और उसके बाद आपका एडमिशन सक्सेसफुल माना जाएगा ठीक है और फिर आपको क्या है कि भाई आप अगर, अगर अपना यहाँ पे देखते हैं कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर सी एस ट्वेंटी एलिजिबल फॉर द एलोकेशन राउंड सीट और एडमिशन हैज बिन कैंसल्ड फॉर वट एवर रीजन अगर आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होता तो आप आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल रहेंगे ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स इनिकुलर राउंड अवेलेबिलिटी आप अगर ऑप्शन दबाएंगे तभी आप आगे सेकेंड राउंड थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे ठीक है एंड कैंडिडेट हुयर फर्स्ट प्रेफरेंस इन एनी राउंड विल नॉट बी कंसिडर्ड इन सबसेक्वेंट राउंडेशन ठीक है सो अगर आपको अपनी पहली प्रेफरेंस मिल गई है फॉर एग्जांपल आप बी ए साइंस ऑनर्स करना चाहते हो हिंदू कॉलेज से आपकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी और आपको मिल गई है तो आप फिर आगे नहीं जा सकते ठीक है अगर आपको अपनी पहली प्रेफरेंस ही मिल जाती है फर्स्ट राउंड में सो आपको आगे नहीं जाना फिर आपका वहीं पर एडमिशन लॉक फ्रीज हो जाएगा और आपका एडमिशन हो चुका होगा अब मैं आपको ये सिस्टम समझाता हूँ अपग्रेड और फ्रीज का

तो आपको अपग्रेड का बटन दबा देना है अगर आप चाहते हो कि राउंड टू में आपको और अच्छा कॉलेज मिले और आपकी ऊपर की प्रेफरेंस का मिले सो चूजिंग द ऑप्शन अपग्रेड विल मीन दैट द कैंडिडेट कंसेंट्स टू कंसिडरेशन ऑफ एन ऑफ़र ऑफ एडमिशन टू अ प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन आप अगर अपग्रेड करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि अगले राउंड में आप कोई और अपनी अच्छी प्रेफरेंस का कॉलेज चाहते हैं या कोर्स चाहते हैं और आपका जो पहला एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आप फिर आगे पहुँच जाओगे

The program plus college combination in which she or he had taken admission earlier will never be offered to the candidate in any subsequent round. मान लो फर्स्ट राउंड में जो आपको कोर्स एंड कॉलेज मिला था आपने उसको छोड़ दिया अपग्रेड करके आगे आ गए हो और अब आप चाहते हो कि आप उसमें वापस जाओ तो ऐसा नहीं हो सकता

ठीक है अ कैंडिडेट हु गेट्स अपग्रेडेड विल हैव टू एक्सेप्ट द अपग्रेडेड सीट आप जब अपग्रेड हो जाते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना होगा अपग्रेडेड सीट को और बाकी का एडमिशन प्रोसीजर वही रहने वाला है अब फ्रीज का ऑप्शन क्या कहता है फ्रीज का मतलब ये है कैंडिडेट हु हैज टेकन एडमिशन ऑन एन एलोकेटेड सीट एंड डिजायर्स टू कंटिन्यू विद इट शुड सबमिट अ फ्रीज रिक्वेस्ट थ्रू हिज और हर डैशबोर्ड आपको अगर मान लो कोई सीट मिल चुकी है आपके फर्स्ट राउंड में ठीक है या कोई भी राउंड में आप चाहते हो कि भाई जो मेरा मन था वो मुझे मिल चुकी है सीट सीट तो आप अपनी को फ्रीज फ्रीज का ऑप्शन दबा के फ्रीज कर सकते हो ठीक है अब एडवाइस यहाँ पे क्या देता है डी ओ आपको कैंडिडेट मस्ट फ्रीज देयर एडमिशन ओनली इफ दे आर सेटिस्फाइड विद इट एंड नॉट वांट टू तो बी कंसीडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट एलोकेशन अगर आप सेटिस्फाई हो अपने फर्स्ट राउंड में ही जो आपको मिला है तो ही आप फ्रीज राउंड को करें फिर है कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनली एलोकेटेड सीट सो फेल टू एक्सेप्ट द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट विद इन द द स्टिपुलेटेड विल टू ऑफ एलोकेटेड सीट टाइम पीरियड के अंदर अंदर फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करते तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा एडमिशन को फी वगैरह पे नहीं करोगे तो कैंसिल कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह गलत निकलते हैं तो कैंसिल कर दिया जाएगा ठीक है सो so, यही रीजन हो सकते हैं आपके कैंसिलेशन के ठीक है सो so, यही है भाई आपका जो मैंने आपको बता दिया है तो अगर आपके इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद आप सब